अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मरते डरते आज फाइनली जो है ना, मेरा माइंड और हम लोग दोनों का माइंड बन गया कि हम लोग सेकंड वैक्सीन लगवा लें अपनी फाइजर की। क्योंकि मैं पर्सनली, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं ना लगाऊं। तो ये चैलेंज देखें, आज इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करता हूँ अपने फाइजर वैक्सीन लगाने का अब जो है सफ़र कि क्या है। बेगम भी ऑलरेडी रेडी है। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। मुझे तो डर लगता है यार, कैसे? अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता, देख लिया जाएगा। तो बस अब मैं चलता हूँ अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बस अब फॉर्म वगैरह हमने अपना भर लिया है, फॉर्म भर के बस वेट कर रहे हैं। अभी हमें जो है ना, हमारे नंबर के हिसाब से हमें बुलाएंगे। तो बस देखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। यार मुझे तो बहुत डर लगता है कसम से, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें इंटरनेट में देख लें ना। प्राउडली दिखा रही है, शी इज सो प्राउड ऑफ इट, आई एम नॉट। हमारा नंबर 65 है, अभी 64 की बारी चल रही है। बस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नंबर इसके बाद हमारा है, अल्लाह खैर कर। इसके बाद मेरी बारी है। अच्छा, हम लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है दोनों ने। अब असल में वैक्सीन लगाने के बाद आपने ये बोलते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं ये बोलते हैं आप 15 मिनट आपने वेट करना है। वो 15 मिनट इसलिए कि चेक करते हैं कि आपके अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं है, उस वैक्सीन का कोई रिएक्शन तो नहीं है आपकी बॉडी में। तो बस हम वो लगवाने के बाद यहाँ पे वेटिंग रूम में हम लोग बैठे हुए हैं। और बच्चे जो है ना, यहाँ पे असल में ये लॉलीज वगैरह होती है, टॉफ़ी वगैरह बच्चों के लिए रखते हैं, हम बड़ों के लिए भी रखते हैं, पानी वगैरह रखते हैं। तो इन्होंने शुगर लगाई भी, दिखाता हूँ आपको। ओके भैया, अब हम लोग बाहर आ गए वैक्सीन लगवा के अपनी सेकेंड डोज भी। वैसे अभी अंदर जाके पता लगा कि थर्ड डोज भी आ गई है, मतलब अब तीसरी भी लगेगी आपको। लेकिन वो अभी फिलहाल सारों पे अप्लाई नहीं है, एज लॉन्ग एज उसको मैंडेटरी नहीं करते हैं। अगर लाजमी नहीं देते तो मैं तो नहीं लगवाऊँ कभी भी। लेकिन ये है कि भाई, बड़ा बड़ा सुना है कि क्या बोलते हैं, आपके DNA चेंज जाते हैं आप आप। लेकिन वो तो देखें, अब वो वक्त में ही पता लगेगा, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता जाके। तो गाइस, अभी जो है हम लोग ने कोविड अपना जो वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ शॉपिंग सेंटर आया था, हमने सोचा थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पी लें, थोड़ा सा मुंह मीठा कर लें इसी खुशी में, कॉफ़ी पी लें, केक खा लें थोड़ी सी। तो जो है उसके बाद जो है परीशे को एक दुकान दिख गई थी टॉयज़ की, तो वहाँ घूम गई और उसने जाके जो ना, देखें ये टैडी उठा लिया और उसको इतना प्यार कर रही है उस वक्त से। परीशे, डू यू लाइक दिस वन? डू यू लाइक दिस टैडी? ओके, जाओ जाओ जाओ, मम्मी बुला लिया। वैसे आज के दिन कोई हमारा बिजी दिन नहीं था, आज जो है बस चिल मारा है हमने आराम से। कोई 1 बजे हम लोग सो के उठे और 2 बजे हमारी कोविड की जो है वैक्सीन की अपॉइंटमेंट थी। तो वहाँ पे वो कराने के बाद बस यहाँ शॉपिंग सेंटर आ गए, कॉफ़ी वगैरह पी के। तो असल में मेरा अपना जो फ़ोन है ना, iPhone 7 Plus, काफ़ी वो मैंने चेंज नहीं किया, वो वही है अब तक जो मैंने लिया था कोई पता नहीं कितने साल, 3-4 साल पहले। तो वो फ़ोन के जो है ना, अपना उसकी स्पीकर जो है, वो स्पीकर में मसला हो गया था, उसमें आवाज़ बहुत कम हल्की आती थी, मतलब कान में लगाना पड़ता था बहुत तेज़। तो वो यहाँ पे एक दुकान है चाइनीज़ की, तो वो अपना इस तरह के फ़ोन जो है ना रिपेयर करता है। तो मैंने अपना फ़ोन उसको दिया है, तो वो $95 में रिपेयर करके दे रहा है। तो ज़बरदस्त, देखें इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में ही नहीं, यहाँ पर भी होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आप अपने फ़ोन वगैरह रिपेयर करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अगर फ़ोन अगर ख़राब हो गया तो आप फेंक देते हो, रिपेयर की शॉप होती है। तो मैंने रिपेयर कराने के लिए दे दिया है। अब तक कोई सिम्टम्स का पता लगा? अच्छा अच्छा, एक बात बताऊँ, मुझे जो है ना पहले वैक्सीन के बाद मैं बहुत सख्त बीमार हो गया था, मुझे बुखार हो गया था और मुझे चेस्ट इन्फेक्शन वाली सिम्टम्स हो गए थे, जिससे ना
मेरा सीना पूरा जाम हो गया था और बहुत ना मुश्किल, खांसी बहुत सही हो गई थी और बुखार बहुत तेज़ हो गया था। दो तीन दिन तक मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। ये वाले सिम्टम अभी जो लगाने के बाद मुझे अभी दो घंटे हो गए तकरीबन लगाए हुए हमें, मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है। अच्छा पहली दफ़ा भी मेरे यही सिम्टम्स से मुझे, देखिए पहली दफ़ा में ये भी मेरे ख्याल में बीमार होने की सही वजह ये भी थी कि वैक्सीन लगाने के बाद कहते हैं कि आप घर जाके जो है ना पैनाडोल लेके या आइब्रोफेन लेके या नीरोफेन लेके आराम करें, थोड़ा सा सो जाएं या थोड़ा रेस्ट करें। लगवाने के बाद, हाँ लगवाने के बाद हम लोग सीधा जो है हम लोग रेस्टोरेंट चले गए थे। रेस्टोरेंट में आपको पता ही है माशाल्लाह काम बिजी होता है, तो टपटप ऑर्डर बनाते गए और वाट लग गई आपके भाई की रात तक। असल में आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना यहाँ, अगर आप एब्रॉड में रह रहे होते हैं और बिज़नेस चला रहे होते हैं भाई, यू आर अलोन, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप क्या करोगे? आप अगर नहीं जाओगे तो आप बिज़नेस लॉस करोगे। आप कहीं जॉब करते हो तो ये तो चलो जॉब में ये फ़ायदा होता है कि आप कॉल इन सिक कर दो, तो जॉब में तो आप ये है ना भाई कॉल करके बोल दिया कि भाई कि हाँ भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कि यार सॉरी मैं बाद में आऊँगा, खैर है कोई टेंशन नहीं, हाँ कोई टेंशन नहीं। हफ्ते में एक दफ़ा मैं करता ही था पहले ना, मज़ा आता था, मैं कॉल करता था, हे माय सॉरी आई एम फीलिंग सिक, आई वॉन्ट बी एबल टू कम। वो आगे से बोलता था मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हुए आना, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना कौन सी रॉकेट साइंस है, जाओ डॉक्टर को बोलो यार आई एम फीलिंग सिक को बना के दे। देखिए इस प्ले कैफ़े की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एल्मा और परीशे जो है यहाँ से निकल के कहाँ गए? एल्मा वेयर आर यू गाइस, एल्मा वेयर इज परीशे? इन द टॉयलेट, ओके हियर दे आर। देखने 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 कितने इतराती है, ये इतराती कितने, अब इसको ओह माय गॉड इसको एक नया टॉय दिख गया, अभी तंग करेगी इतना, इसने कुछ भी नहीं बोला। देखने देखने चलती कैसे, इतराती है जानबूझ के, इतराती है। परीशे ओ देखा अकेले एक साइड टेडी है और एक साइड परीशे। परीशे करो, हाँ तो दोस्तों बस अब घर पे आ गए हम लोग शॉपिंग सेंटर से और वैक्सीन लगाने के बाद, तो बस मुझे तभी थोड़ी सी नींद आ रही है। तो आते ही डॉक्टर ने बोला था कि आपने जो है आइब्रोफेन खा लेनी है, तो मैंने और अरीबा ने हम लोग दोनों ने खा ली आइब्रोफेन। तो वैसे तो हमारा बहुत सारे मिशन थे आज छुट्टी का दिन में, कि हमने सोचा था बहुत सारे अपने काम पूरे कर लेंगे, लेकिन मैंने सोचा यार कल से जॉब है, कल से काम स्टार्ट करना, तो इसलिए भाई अगर आज एक दिन रेस्ट कर लेंगे तो कल के लिए पूरा रेडी हो जाएंगे। तो अब प्लान यही है कि जो है ना आराम करेंगे, रेस्ट कर लें आज का दिन पूरा प्रॉपर, ताकि कल के लिए पूरा रेडी हो जाए। तो चले दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी था, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि कोविड का यहाँ पे किस तरीके से सेटअप है सारा वैक्सीन का। तो चले आपको दिखा दिया, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बाकी कोई टेंशन नहीं, अल्लाह का करम है। चलें अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।